ऐसा ही मैं जयपुर लुधियाना से दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर एक स्थान है लुधियाना में डुबरी रोड पर, जहाँ पर भूतों की पूजा की जाती है। यहाँ पर पांच भूतों के नाम, जिनके नाम सबल सिंह को, किशन को, अन्य जो उनकी पांच बावरी जिनका नाम है, उनकी पूजा की जाती है और उन पर दारू चलाई जाती है। और ये वो समाज है जिसका नाम वाल्मीकि समुदाय है। इस समाज के लोग महिलाएँ, बच्चे, पुरुष और अन्य सभी समाज के जो सभी लोग हैं, वो इन देवी देवताओं को समझकर इन भूतों की पूजा करते हैं। बाबा कल भगत जी ने देशवासियों को और खास तौर पे पंजाब वासियों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। खास तौर पे बाबा जी को एक बहुत बड़ी बख्श माता जी की थी, जिन बच्चों को माता जी निकल जाती थी, कसरत होता था तो उनके झाड़े में बहुत महत्व रखते थे और उनका झाड़ा करके उसको जल्द से जल्द ठीक करते थे। और सबल सिंह जीत मलकोन पांच भाई हैं। इनको किसी भी दुखिया से, जैसे कोई औरत को प्रेज पड़ जाता है, किसी आदमी को प्रेज लड़की को छोड़ जाता है, तो उसके झाड़े के लिए इनको बुलाया जाता है। इनको सिर्फ एक बोतल पाँच प्रसाद बुलाया जाता है और इनके जो यहाँ पर मत्था टेकते हैं उनकी सबकी मनोकामना या बागड़ी पीर किस किस चीज़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इनको हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है जी, गुड़िया कस्से का प्रसाद चढ़ाया जाता है और एक बोतल पाँच लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। किन किन बच्चों के सिर पे आता है, कितने साल तक, कितने साल तक? जिनको सेवा का फल मिला होता है, जिनको किसी का हाथ होता है, ये उन्हीं के सिर पर आते हैं। अभी आप काम रहे थे, क्या हुआ था? मेरे सिर बाबा है। बाबा कौन सा बाबा? कैसा बाबा? अच्छा, तो आप उसको क्या कह रहे थे? वो आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? समाज के बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि ये जो भूतों प्रेतों का साया जो उनके शरीर में प्रवेश करता, आत्मा प्रवेश करती है, ये तो उनका जो भविष्य क्या होगा, वे कैसे शिक्षित हो पाएंगे, क्या शिक्षा ले पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लुधियाना से इंडिया नाड़ के लिए जय कुमार।